Hello students, welcome to Study Khazana, and today we are going to study chapter number 5, that is Contemporary South Asia. Okay, now before starting a chapter, I just want to ask you or I just want to tell you what is Contemporary South Asia. Contemporary yani ki aaj ka South Asia, okay. Contemporary normally wo time hota hai jo aapke time ke saath parallel hota hai. Kai baar hum sochte hain ki contemporary matlab modern. कंटेम्प्रेरी मतलब जो है जो मॉडर्न को या वेस्टर्नाइजेशन को जो है डिपिक्ट करता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कंटेम्प्रेरी मतलब वो चीज जो आपके प्रेवलेंट टाइम के साथ पैरेलल चल रही है. ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली हम आज के जो आज का टाइम हमारा चल रहा है, आज का जो साउथ एशिया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने साउथ ईस्ट एशिया को डिस्कस किया था और आज हम सिर्फ साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे. ओके, अब इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वो नाम से ही क्लियर है. वो हम सबसे पहले जो है साउथ एशिया कंट्री कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद साउथ एशिया कंट्रीज की क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, वो हम सब डिस्कस करेंगे. और डेफिनेटली लास्ट में हम इंडिया डिस्कस करेंगे कि इंडिया के इन सब कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस है, क्या कन्फ्लिक्ट है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले. ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि नॉर्मली हम जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको डिस्कस करेंगे और आप बड़ी आसानी से अपने आप को इस चैप्टर से रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज साउथ एशिया एंड वी ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन. यानी कि इस रीजन के अंदर जितने भी कंट्रीज आती है उनकी आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है और बेसिकली उनके बीच में जो है क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या कन्फ्लिक्ट है, वो बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, नाउ ओके वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा, ये जो मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल दिखा रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मार्क आ रहा है जिससे शायद आपको कुछ वर्ड्स विजिबल ना हो. आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं अपनी एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द कंटेंट. और मेरे ख्याल से आपने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट इज साउथ एशिया, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छे से समझाऊं. ओके, सबसे पहले इसमें बताया गया है जो समझने वाली बात है कि द एक्सप्रेशन ऑफ साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फर्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशिया कंप्राइज ऑफ 7 कंट्रीज. दे आर बांग्लादेश, ओके, डेमोक्रेटिक. अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता रही हूं कि वो डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है. ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ओके, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे और इनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. और आपको ये भी पता है कि बांग्लादेश वॉज अर्ली अ पार्ट ऑफ इंडिया, फिर कैसे वो पाकिस्तान के पास गया, कैसे वो अलग हुआ, वो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो एंड राइट नाउ शेख हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. एंड देन वी हैव भूटान. भूटान, अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता ही होगी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, दैट इज ढाका. ओके, देन भूटान. भूटान के लिए बोला जाता है कि बहुत लंबे समय तक भूटान में सिर्फ मोनार्कियल रूल था, लेकिन वहां का जो राजा है वो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब इंट्रोड्यूस करी है. वहां पे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर जो राजा है जैसे इंग्लैंड के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द कंट्री है, वो किंग ही है. ठीक है, पर भूटान में भी डेमोक्रेसी काइंड ऑफ सिस्टम है वहां पे. देन वी हैव इंडिया. वी हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद इंडिया. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिंस 1950 ऑनवर्ड्स एंड एवरीथिंग इज फेडरल decentralized and we have parliamentary form of government. Normally democracy के अंदर दो तरीके की government होती है, एक parliamentary form of government और एक presidential form of government. Presidential form of government में president supreme होता है, parliamentary form of government में parliament supreme होता है. Okay, उसके बाद Maldives की बात की जाती है. Maldives में बेटा
भी डेमोक्रेसी है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल है. ओके, कैपिटल ऑफ मालदीव इज माले. देन वी हैव नेपाल. नेपाल का तो आपको पता ही है, आपने अपने 9th-10th की सिविक्स की किताबों में पढ़ा ही होगा कि द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल. 2006 में नेपाल ने फाइनली मैनेज्ड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन नेपाल, और वहां पे अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, लिखा भी गया है, उसमें कुछ चेंजेस है, कन्फ्लिक्ट्स है जिसके ऊपर काम हो रहा है. तो डेमोक्रेसी अगेन, नेपाल इज ऑल्सो अगेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. देन वी हैव पाकिस्तान. पाकिस्तान को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और पाकिस्तान भी इंडिया से ही डिवाइड हुआ था, और पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, पर पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, जिसके बहुत सारे कारण है. मिलिट्री इंटरफेरेंस है, ISI इंटरफेरेंस है, टेररिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है. अदरवाइज पाकिस्तान भी जो है, अगर हम पॉलिटिकली देखें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. श्रीलंका की बात की जाती है, श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल है और बहुत अच्छे से अपनी इकोनॉमी को रन कर रही है. पर इनके जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किसने कब रूल किया, इनके क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बेसिकली जो है हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो ये सारी जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के साथ. बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि 1947 के अंदर जो है अंडर टू नेशन थ्योरी जो थी, इंडिया जो था वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, और जो बांग्लादेश था वो पहले भारत का ही हिस्सा था. ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल. ओके, और जो ईस्ट बंगाल है बेसिकली जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहां पे जो बेसिकली जो है डिवीजन आई वो हमारे हाथ से चला गया. पहले जो ईस्ट बंगाल था वो 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान हो गया, फिर 1971 के बाद वो बांग्लादेश हो गया. ठीक है, ये बेसिकली पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि हमारे देश से आजाद हुआ था. बांग्लादेश भी इट वाज अर्ली अ पार्ट ऑफ इंडिया, फिर कन्फ्लिक्ट की वजह से, एथनिक डिस्प्यूट्स की वजह से बांग्लादेश भी हमसे अलग हो गया. उसके बाद नेपाल की बात करें, नेपाल एक हिंदू राज्य है और जहां पे जो है बेसिकली ऐसा कुछ खास कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, पर देश के अंदर ही कन्फ्लिक्ट हुआ था. आप बीरेंद्र को आप जानते होंगे, किंग बीरेंद्र, आपने किताबों में पढ़ा होगा. किंग बीरेंद्र पहले डेमोक्रेसी चाहते थे, फिर ज्ञानेंद्र ने हटा दिया, फिर 2006 में दोबारा से रिवॉल्ट हुआ. SPA पार्टी, 7 पार्टी अलायंस और माइस ने मिलकर जो है एक नेशनल मूवमेंट चलाया, राजा पे प्रेशर डाला कि वी वॉन्ट डेमोक्रेसी, एंड फाइनली 2006 वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई. श्रीलंका के, वैसे तो श्रीलंका के ऐसा कोई मेजर कंफ्लिक्ट नहीं है इंटर, अगर आसपास की नेबरिंग कंट्रीज से बात करें, पर उसमें जो बेसिकली जो कंफ्लिक्ट है जो हम पढ़ते हैं श्रीलंका के अंदर, वो तमिल्स, इंडियन तमिल्स की ही प्रॉब्लम है, सिनालीज की प्रॉब्लम है, और उनके बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ था, बाद में क्या सेटलमेंट हुई, वो आप अपनी क्लास, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, और यही सब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं. और आई थिंक ये बहुत इजीली आप जो है इसको लर्न कर पाएंगे. और कुछ इसमें बताया गया है कि जैसे नवाज शरीफ है, बेनजीर भुट्टो है, उसके बाद जो कुछ जो लीडर्स हैं, जो मुजहिबुर रहमान हो गए, शेख हसीना हो गई, ये कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जो बेसिकली जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. उसके बाद सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान. पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतना इंट्रो देने के बाद एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि साउथ एशियन कंट्रीज, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी. इन सब ने जो है कहीं ना कहीं दे फाइट फॉर डेमोक्रेसी, दे वांट डेमोक्रेसी. वो बात दूसरी है, वो ढंग से नहीं चला पाए और कई बार जो है इंटरनली या इंटरनेशनली उनके ऊपर प्रेशर बनाए गए, और जिसकी वजह से काफी डोमेस्टिक या सिविल वॉर उन्होंने जो है फेस करी. अदरवाइज अगर हम देखें तो जितनी भी ये कंट्रीज हैं, दे आर फाइटिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी. ठीक है, वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि स्टेबल डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी हो, और जितने भी डिक्टेटर्स थे, मोनार्कीज थे, उनको भी एक टाइम पे रियलाइज हो गया कि भाई अगर हमें देश को शांति से चलाना है तो इट इज ओनली पॉसिबल जब हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें. ओके, यही जो है स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में यही बताई गई है. और उसके बाद अगर हम बात करें, विल टॉक अबाउट मालदीव्स और वी टॉक अबाउट भूटान, यहाँ इन्होंने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सेप्ट किया, इलेक्शन को एक्सेप्ट किया, और दे टॉक अबाउट द पीपल रिप्रेजेंटेशन. मतलब जो भी डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल चेंजेस ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी कंट्रीज में जो भी पॉसिबल चेंजेस ये ला सकते थे, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसको इंट्रोड्यूस किया. यही बेसिकली इसमें बताने की कोशिश की गई है. नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द फोकसिंग ऑन द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. ठीक है, आपको पता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ये मानते थे कि भारत के अंदर दो लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम. तो दो कंट्रीज बननी चाहिए, एक जो हिंदुओं की हो और एक जो पाकिस्तान की, मतलब जो मुस्लिमों की. तो टू नेशन थ्योरी के अंदर 1947 के बाद ये रूल बना कि भाई इंडिया को हम आजाद करेंगे और साथ ही साथ एक नई कंट्री बनाई जाएगी जिसका नाम है पाकिस्तान, और जितने भी मुस्लिम लोग हैं वहां रहेंगे. ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और लियाकत अली खान जो थे वो वहां के पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर बने, और जो गवर्नर जनरल, मतलब पूरी तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, सिस्टम अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है पाकिस्तान ने अपना नहीं इस्टेब्लिश किया था, तो गवर्नर जनरल बनाए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना. तो जब पाकिस्तान शुरू हुआ तो बेसिकली लियाकत अली खान जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बाद में जो है वहां के गवर्नर जनरल बने. उसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो सेकंड प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, इसमें सबसे पहले अयूब खान से जो है स्टोरी शुरू हो रही है. अयूब खान जो है एक मिलिट्री ऑफिसर भी थे, पर वो पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे. तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने जो है धोखे से या मिलिट्री कूप करके उनकी जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली, और खुद को जो है देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया. लेकिन अयूब खान के बारे में बोलते हैं कि अयूब खान से लोग खुश नहीं थे, पीपल वर डिससैटिस्फाइड, और जो भी उनकी पावर थी, जो भी उनके रूल थे, लोग उसको नहीं मानते थे. तो बहुत जल्दी जो है अयूब खान ने, जो उनका जूनियर ऑफिसर था, उसको जो है सारी पावर जो है ट्रांसफर कर दी, जिसका नाम था जनरल याया खान. ठीक है, याया खान के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती है. याया खान जो था वो बहुत हार्श था, डिक्टेटर था, ऑफेंसिव था, और जो है बहुत ज्यादा जो था रूड था लोगों को लेके. और याया खान के नाम इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि याया खान के ही टाइम पे जो है 1971 की लड़ाई हुई थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसका जो मेन मुद्दा था वो क्या था, वो था बांग्लादेश. ठीक है, तो याया खान का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टू विच इम्पॉर्टेंट इवेंट याया खान इज रिलेटेड. तो याया खान जो है 1971 की जो है लड़ाई में इम्पॉर्टेंट है. उस समय जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और जो इनके ऊपर जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश के ऊपर हुई थी. 1971 के बाद जो थे दोबारा से इलेक्शन हुए, पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज पाकिस्तान लड़ाई में हार गया था. दोबारा से इलेक्शन हुए, और जो जुल्फकार अली भुट्टो थे, जो बेसिकली इंडिया से भाग के पाकिस्तान गए थे, उन्होंने जो इलेक्शन लड़े और उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करी, और वहां के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने. ऐसा बोला जाता है कि 1971 से लेके 1977 तक जो थे आपके जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे. लेकिन बोला जाता है कि ही वॉज असैसिनेटेड, और उनको ज्यादा लंबे समय तक जो था पावर में नहीं रहने दिया. और सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है. ओके, तो उसमें बोला जाता है कि वहां के जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, जिनका नाम था जिया उल हक. ठीक है, जिया उल हक ने जो था इनका असैसिनेशन करा दिया जुल्फकार अली भुट्टो का 1977 में. तो जिया ने जब ऐसा किया तो काफी मूवमेंट, काफी क्रिटिसिज्म जो था उनको जो है देखने को मिला, और बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा है, कुछ खास जो है चेंज नहीं आ पाया 1977
के बाद जियाउल हक जो पावर में आए, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 1998 में दोबारा से कोशिश की गई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट लाने की और ऐसा हुआ भी। और उस समय जो देश की प्राइम मिनिस्टर बनी उनका नाम था बेनजीर भुट्टो, जो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी, ठीक है। एंड जो बोला जाता है कि जो ये बेसिकली पीरियड है उस समय पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम ही है, लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस समय सिर्फ दो ही पार्टीज जो थी बेसिकली जिनके बीच में कंपटीशन था, एक तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और एक द मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो रूल था ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1999 में ये खत्म हो गया और 2001 में जो वहां के जो जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, वो उन्होंने जो है पावर अपने हाथ में ले ली और जो नवाज शरीफ थे उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया और बहुत लंबे समय तक वहां पे आर्मी रूल चलता रहा। पाकिस्तान में दिक्कत ये रही कि मिलिट्री का जो इंटरफेरेंस था वो बहुत ज्यादा रहा, ठीक है। इवन जो ISI है, जो वहां की जो एजेंसी है, उसका भी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और जो मिलिटेंट्स की जो इन्फ्लुएंस है वो टाइम टू टाइम जो है कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने ही नहीं देती। पाकिस्तान के लिए बोला जाता है कि पाकिस्तान हो सकता था कि पाकिस्तान बहुत स्टेबल हो सकता था, लेकिन कई कारणों की वजह से पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश तो हुई पर स्ट्रांग डेमोक्रेसी कभी एस्टैब्लिश नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जो लीडर्स थे, जो क्लर्जीज थे, नोबेलिटीज थे, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा सोचा, लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। ह्यूमन राइट्स की कभी बात नहीं हुई, ठीक है। डेमोक्रेसी की ढंग से कभी डिस्कशन नहीं हुई, मीडिया को इतनी पावर नहीं मिली कि वो लोगों को ढंग से अवेयर कर सके। तो बहुत सारे कारण थे। इवन ऐसा बोला जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उन्होंने भी कुछ खास रोल प्ले नहीं किया। उनको तो बस लगता था कि भाई मिलिट्री वेपन बिक रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सो ठीक है, इट्स ओके। तो इस तरह से जो है कभी भी ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान जो था, इवन अभी भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है बेसिकली कभी जो है ये कभी सिचुएशन ही नहीं आई कि वहां पे जो है स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि कश्मीर का इशू जो था, सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीजन होना ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद कश्मीर इशू जो है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है और किसके साथ जाना चाहिए एक्चुअली में, वो किसका कौन क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है, कश्मीर में लोग कहते हैं हमें आजाद होना है। तो बहुत सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है और आउटसाइड कोई रोल नहीं है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी जो था वो स्टेबल ही नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर पाकिस्तान जो है इन सब चीजों को अगर स्टेबल कर पाए और इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन बना पाए तो हो सकता है कि वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी और साउथ एशिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली याया खान का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, किस इवेंट से रिलेटेड है वो याद करना बहुत जरूरी है। अयूब खान से ये स्टोरी शुरू हो रही है, याया खान है, जियाउल हक है, बीच में डेमोक्रेसी के जो लीडर्स थे वो थे जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ। ये चार पांच नाम है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये मुशर्रफ जो थे 2001 में आए थे और क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द सेवरल रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के बारे में मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से हर इंडियन को बांग्लादेश के बारे में पता ही है कि बांग्लादेश की क्या स्टोरी है। बांग्लादेश जो था वो बेसिकली सबसे पहले ईस्ट बंगाल माना जाता था, जो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन हुआ था तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, ऐसा बोला जाता है कि वहां पे डिवीजन इस तरीके से हुआ था कि जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है वो पाकिस्तान को दी जाएगी और जहां हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा है वो इंडिया के साथ रहे। हालांकि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि हर जगह मिक्स्ड पॉपुलेशन आपको देखने को मिली। खैर, ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना के पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान ने नई गवर्नमेंट बनाई और इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो था,
और शुरू से ही ऐसा हो रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा था। सबसे बड़ा तो डिफरेंस था ज्योग्राफिकल डिफरेंस। आप जो है इतनी दूर से ईस्ट पाकिस्तान को कैसे गवर्न करेंगे। 1947 से लेकर 1971 तक जो बंगला ईस्ट पाकिस्तान था या बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। और सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो यही था कि भाई इतनी दूर से ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा, इतनी दूर से जो है कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और ज्यादातर बोला गया कि भाई यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, पर बंगाली लोग भी, बंगाली बोलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे। तो दे फेल्ट कि ये क्या हो गया, हम तो दे डू नॉट फाइंड देमसेल्फ कनेक्टेड टू पाकिस्तान। तो खैर किसी तरह जो था स्टेबल हुआ। फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई जब पाकिस्तान ने क्या किया, उर्दू को अपना नेशनल लैंग्वेज बना दिया। अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए कि भाई हम तो ज्यादातर बंगाली बोलते हैं, आपने जो है उर्दू को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो हमारी लैंग्वेज कहाँ जाएगी। बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे वहां पे चल रहे थे। और इलेक्शन हुआ, लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और इधर जो है मुजीबुर रहमान बने। और काफी कोशिश की गई कि दोनों मिलके काम करें, दोनों मिलके जो है कोलिशन बनाएं और कंडीशन को स्टेबल करें, पर ज्यादा कुछ जो है निष्कर्ष जो था वो निकल नहीं पाया। और फिर याया खान आ गए। एक्चुअली में ईस्ट पाकिस्तान जब से बना था तभी से ही जो था कन्फ्लिक्ट्स, डिसकंटेंट, प्रो इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो था वो चल रहा था। ठीक है, तो याया खान ने 1970s के अराउंड जो है या उसी के 60s 70s के बाद याया खान ने जो है ईस्ट पाकिस्तान के मूवमेंट्स को दबाने के लिए मास किलिंग, अपनी आर्मी को भेजना, लोगों को मारना, लोगों को हरास करना, ये सब करना जो था शुरू किया। एज अ रिजल्ट जो बांग्लादेशी थे या ईस्ट पाकिस्तानी थे वो भाग भाग के भारत में आ रहे थे और हमारे देश के अंदर रिफ्यूजीज की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने बोलना शुरू किया कि वट एवर पाकिस्तान इज डूइंग इज रॉन्ग। और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो है इस बात को उठाई कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेशियों को आजाद कर देना चाहिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो है या इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जो बांग्लादेशी जो थे उनको मिलिट्री या फाइनेंशियली हेल्प करी थी जो पाकिस्तान के लोग जो है पसंद नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के बेसिकली जो मिलिट्री लोग थे वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से बोला जाता है दिस वॉज अ रीजन दैट लेड टू दी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई। और ऐसा बोला जाता है कि अच्छा जब 1970s के अराउंड जो याया खान जो था वो बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटीज कर रहे थे, तो बेसिकली जो है हम भारत से जो है एक फोर्स गई थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी नाम की जो सेना थी, मिलिट्री जो ग्रुप था वो बांग्लादेश भेजा गया, ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया, किस लिए, लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, तो खैर लड़ाई जब जो थी वो डाइवर्ट हो गई, वो इंडिया के ऊपर आ गई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई और आपको भी पता है क्या रिजल्ट हुआ, पाकिस्तान हार गया और इंडिया जीत गया और इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब ये इंडिपेंडेंट है, आप अलग से रहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, फिर जुल्फकार अली भुट्टो आए। खैर 1971 के बाद जो थे बांग्लादेश ने अपना जो है आजाद हुआ, बांग्लादेश ने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि वो चाहते थे कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर बने। सेक्युलर मतलब वो होता है जिसके अंदर कोई धर्म जो है सुप्रीम नहीं होता, डेमोक्रेटिक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सोशलिज्म यानी कि जिसके अंदर सोसाइटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये उनका मेन जो था वो ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हुए। और ऐसा बोला जाता है कि जो पहले लीडर थे वो उनका नाम था शेख मुजहिब। ठीक है, और उन्होंने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वहां पे एस्टैब्लिश करी। ठीक है, पर आते उन्होंने क्या किया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एबॉलिश कर दिया और बोला सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी जिसका नाम था अवामी लीग। अब डेफिनेटली इतनी मुश्किल से आजादी मिली और फिर आप एक पार्टी को थोप रहे हैं लोगों के ऊपर,
तो उससे जो है काफी कन्फ्लिक्ट और काफी ज्यादा टेंशन जो है डेवलप हो गई, जिसकी वजह से जो वहां की मिलिट्री थी उन्होंने जो है उनको असैसिनेट कर दिया 1975 में। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री रूल आ गया, जियाउर रहमान, जियाउर रहमान ने वहां पे नई पार्टी बनाई जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उन्होंने फिर इलेक्शंस जीते 1979 में। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी मारे गए, ही वॉज असैसिनेटेड बाय दी अनदर हिज लीडर नेम्ड एज एचएम इरशाद। ठीक है, और एचएम इरशाद पे लोगों ने प्रेशर किया कि भाई आप डेमोक्रेसी लेकर आइए, फिर एचएम इरशाद ने जो था ठीक है माना और थोड़े बहुत पॉलिटिकल जो लिबरलाइजेशन थी उसको जो था सेंक्शन दे दी कि ठीक है आप थोड़ा बहुत पार्टीज बनाइए, आप इलेक्शंस में वोटिंग प्रोसीजर और सब कुछ उन्होंने एड ऑन करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया 5 साल के लिए, और फिर 1919 में लोगों ने उनके खिलाफ जो था डेमोन्स्ट्रेशन किया और उनको जो है पावर से हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो थी वो तब से जो है आई थिंक शेख हसीना जो है वो सबसे फेमस लीडर है वहां की, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने जो है वहां पे रूल किया है। वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है और काफी चीजें स्टेबल हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट दी बांग्लादेश। तो जब हमने पाकिस्तान को पढ़ा, जब हमने बांग्लादेश को देखा, तो हम काफी चीजें रिलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपको कई सारे नाम याद करने हैं, जैसे कि आपका जो है जियाउर रहमान, देन वी हैव इरशाद, ठीक है, उसके बाद मुजहिबुर रहमान। ठीक है, कई सारे नाम हैं जो आपको याद करने हैं। यहाँ पे भी याया खान आ गए हैं। ठीक है, तो और बेसिकली यहाँ पे भी जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई फाइनली 1991 के बाद। तो वी हैव डिस्कस टू कंट्रीज, वन पाकिस्तान एंड अनदर इज बांग्लादेश। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल के लिए तो मैं मानती हूं कि नेपाल की स्टोरी तो शायद आपको पहले से ही क्लियर होगी, क्योंकि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में पहले किंग बीरेंद्र थे, किंग बीरेंद्र चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए वहां पे, लेकिन एक सीक्रेट मैसेकर के अंदर उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। फिर किंग ज्ञानेंद्र आए थे, उन्होंने जितने भी डेमोक्रेटिक डिसीजंस जो लागू किए थे उनको कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, डिक्टेटरशिप है, और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। फिर उसके बाद एक बार दोबारा से 2006 में एक वेव चली, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके अंदर कई लोगों ने सपोर्ट किया। जो पॉलिटिकल पार्टी थी 7 पार्टी अलायंस, उन्होंने जो है लोगों को सपोर्ट किया। माओइस्ट जो कम्युनिस्ट के फॉलोअर हैं, पहली बार किसी मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने किंग को अल्टीमेटम दिया कि अगर आप इन दिनों में अपनी पावर को स्टेप डाउन नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। एज अ रिजल्ट किंग ने जो है इन सबकी बात मानी और 2006 में नेपाल के अंदर जो था डेमोक्रेसी जो है एस्टैब्लिश हुई। ये मैं आपको ब्रीफ में इसलिए बता रही हूं क्योंकि डेफिनेटली यू हैव डिस्कस अबाउट दी स्टोरी ऑफ नेपाल, और नेपाल जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है और नेपाल से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। नेपाल एक हिंदू स्टेट है, हम भी एक हिंदू स्टेट है, तो नेपाल के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। और गिरिराज प्रसाद कोइराला के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अब तो खैर कोई और है वहां के प्राइम मिनिस्टर। पर नेपाल की जो स्टोरी है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद से बोला गया है कि नेपाल के साथ हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, बट ये है कि नेपाल से हम तब गुस्सा हो जाते हैं जब नेपाल जो है चाइना की तरफ ज्यादा जो है इंक्लाइंड हो जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि चाइना का, आपको पता है कि चाइना सॉरी नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, जो ऊपर चाइना नीचे इंडिया है, तो कई बार होता है कि टेररिस्ट इंट्रूशन हो गए या माइस्ट होते हैं नेपाल को क्रॉस करके इंडिया में एंटर कर जाते हैं, और कई बार जो है टेररिस्ट एक्टिविटी प्रमोट करने में उनको जो है एनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, तो कई बार जो है इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट होता है कि इट शुड बी एंडेड, और इंडिया का भी इसमें कई बार जो है
उनको जो है बोला जाता है कि इट शुड बी चेक्ड, इट शुड बी स्टॉप्ड एंड सो ऑन. खैर हमें सिर्फ अभी इतना समझना है कि 2006 में नेपाल के अंदर जो थी वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई और सेवन पार्टी अलायंस ने मदद करी थी और जो मोनार्कियल सिस्टम था इट वॉज चेंज टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और वहां पे जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की गई. ठीक है, दिस इज अबाउट द नेपाल. देन वी गोइंग टू डिस्कस द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. ओके, सो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. श्रीलंका के बारे में डिस्कशन करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि श्रीलंका की एज सच कोई इंटरनल डिस्प्यूट नहीं रहा है, पर श्रीलंका में जो प्रॉब्लम है वो सिन्हालीज की है. एक्चुअली बोला जाता है जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी भारत के अंदर तो कुछ तमिलियंस जो थे वो भारत से उठकर श्रीलंका में चले गए थे एंड दे माइग्रेटेड टू श्रीलंका एंड दे सेटल्ड इन श्रीलंका. ठीक है, अब बोला जाता है कि श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सिन्हालीज की है. ठीक है, सिन्हालीज वहां पे मेजर मेजॉरिटी में है, सिन्हाली सबसे ज्यादा बोली जाती है ऐसा वहां पे बोला जाता है. और जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट है वो ये है कि जो तमिल्स हैं वो ज्यादातर श्रीलंका में अपने आप को इग्नोर फील करते हैं. उनको लगता है कि जो सिन्हालीज को लगता है कि तमिलियंस आर आउटसाइडर और दे शुड गो टू इंडिया. तमिलियंस कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स यहां पे थे, यही हमारी लैंड है एंड वील गोइंग टू स्टे हियर. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, देर वॉज अ सिविल वॉर ब्रुक आउट बिटवीन सिन्हालीज एंड द इंडियन तमिल्स. ठीक है, अब जब सिविल वॉर हो गई तो ज्यादा दिक्कत तब आई जब श्रीलंका ने यह बोल दिया कि सिन्हाली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है और बुद्धिज्म जो है ऑफिशियल रिलीजन है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी उसमें सिन्हालीज को प्रेफरेंस दी जाएगी और तमिल्स फेल्ड टोटली इग्नोर्ड. एज अ रिजल्ट एक टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, एक एक्टिव ग्रुप फॉर्म हुआ जिसका नाम था LTTE. आप सब जानते ही होंगे द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी ऑल्सो. और इस ग्रुप की जो फुल फॉर्म है दैट इज द लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलाम. ठीक है, एलाम मतलब होता है सेपरेट कंट्री तमिल्स के लिए. तमिलियंस के लिए वो चाहते थे कि तमिल के लिए अलग से जगह हो जहां पे उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिले, इकोनॉमिक रिकॉग्निशन मिले, सोशल रिकॉग्निशन मिले. ठीक है, तो बेसिकली LTTE का इमर्जेंस हुआ, सिविल वॉर हुई और काफी ज्यादा जो टेररिज्म जो है अटैक भी हुए. अच्छा, दिक्कत क्या थी कि ये जो तमिल्स थे ये इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते थे कि क्योंकि हम इंडिया से आए हुए हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को हमारा फेवर लेना चाहिए और श्रीलंकन को बोलना चाहिए कि हमें स्पेस दें. अगर और दिक्कत क्या थी कि अगर श्रीलंका तमिल के इशू में अगर इंडिया इंटरफेयर करती थी तो श्रीलंका को बुरा लगता था कि भाई हमारी सॉवरनिटी में जो है इंडिया जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, और अगर वो इंटरफेयर नहीं करती थी तो यहां पे भी तमिल्स को लगता था कि बताइए हमारे भाई बंधु वहां पर हैं और यहां कोई पूछने वाला नहीं है. तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत हो गई. और लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में और इंडियन तमिल्स के बीच में सिविल वॉर हो रही थी, तब जो है राजीव गांधी ने जो है वहां पे जो है पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी सब चीज सेटल करने के लिए. हालांकि कुछ हो नहीं पाया, बहुत जल्दी वो पीस कीपिंग इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो वापस आ गई थी और कई लोगों ने कई कंट्रीज ने उन इस सिचुएशन को सॉल्व कराने की कोशिश करी, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया. उन्होंने काफी टाइम जो थी इसको जो है इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करी, बट बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती रही. और आपको पता ही है कि एंड में क्या हुआ, राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड. अब जो हमारा आउटलुक है इस प्रॉब्लम को लेके, हम ज्यादातर इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और काफी सेंसिटिव इशू है तो इस पर ज्यादा बात की भी नहीं जाती. और आई थिंक इंडिया भी जो है अब एक बैलेंस रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर. और खैर श्रीलंका के बारे में कहते हैं कि श्रीलंका जो है एक वन ऑफ दी फास्ट डेवलपिंग कंट्री है जिसने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है
और अपनी जो है लिबरलाइज किया, यानी कि ओपन इकोनॉमी किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को जो है इनवाइट किया है. मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लिबरलाइज मतलब क्या होता है. लिबरलाइज मतलब होता है कि अपने ट्रेड सिस्टम को लिबरल करना, ठीक है, एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, ठीक है. तो श्रीलंका ने भी लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, और अब उसकी जो इट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर मेनी ईयर्स थ्रू द सिविल वॉर. मतलब बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी उनकी जो जीडीपी थी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो बहुत अच्छे से ग्रो किया और कर भी रहा है. और इसके अलावा श्रीलंका से हमारा कोई खास डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ एक एथनिक कन्फ्लिक्ट है जिसमें कई बार इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, बट अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द दिस इज अबाउट द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, देन नेपाल. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल थ्री दीज कंट्रीज. नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके, वील डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. डू राइट ऑन स्टडी खजाना इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम. बाय. Thank you.